जर्मन वालों ने पैसे दिते ही उन्हें बाहर जाने वास्ते 24 लाख रुपया, तो इस करके उन्होंने दवाई खाधी उस दुख रेस्ट होने चाहिए। इस तरह धक्के शाही दुनियादारी चलती रहेगी, ये होंदा ही रहेगा। फिर वो मेरे फुफड़ ही उन्होंने कुड़ी ही, एक उन्होंने नौ ही भनेवी नौ, तो उन्होंने पैसे ले इन्ना साढ़े इतों ज शिकार तो एक फुफड़ है मेरा वो मंजूर मसीह उन्होंने सारा गल का पता वा उन्होंने थ्रू पैसे गए है। रोहित के बयान से आप मुकदमा दर्ज करता वो फुफड़ के खिलाफ तो रिश्तेदार रिश्तेदार ने विदेश भेजने के नाते लड़के नाल मारी सी 24 लाख की ठगी। दुखी लड़के ने प्रेमिका समेत निकली जहरीली दवाई, दोहां दी होई मौत। गुरदासपुर दे महला सहजादा नंगल विच एक नौजवान विक्रांत मसीह अते उसकी प्रेमिका नेहा वालों जहरीली वस्तु निकल के आत्महत्या करन दा मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार मृतक नौजवान ने अपने रिश्तेदारां नूं विदेश यानी कि जर्मन जाण दे लई 24 लाख रुपए दिते सी, पर उसके रिश्तेदार ने ना तो उसनू विदेश भेजा ते ना ही उसके पैसे वापस किए, जिस करके नौजवान काफी परेशान सी। धारीवाल जाके उसने अपनी प्रेमिका नेहा नू ए गल बारे दस्या कि उसने जहरीली वस्तु निगल ली है। इस तो बाद उसकी प्रेमिका नेहा ने भी जहरीली दवाई निगल ली, जिस तो बाद दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों की मृतक देह नू कब्जे विच लैके पोस्टमार्टम लई भेज दिता है ते जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक नौजवान के 4 रिश्तेदार खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंधी जानकारी देंदे मृतक नौजवान विक्रांत मसीह के भरा रोहित मसीह ने दसिया कि उसके भरा ने विदेश जाने के लिए रिश्तेदार को 24 लाख रुपए दिते सन, पर उन्होंने रिश्तेदार ने ना तो उसनू विदेश भेजा ते ना ही उसके पैसे वापस किए जा रहे सन, जिस करके वह काफी परेशान रहिंदा सी। उन्होंने दसिया कि उसकी प्रेमिका नेहा भी उसके नाल विदेश जाना चाहती सी, पर रिश्तेदारां वल्लों कीते गए धोखे कारण वह दोनों विदेश नहीं जा सके। उन्होंने परेशान होकर धारीवाल विखे जाके जहरीली वस्तु निकल के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार ने पुलिस प्रशासन तो मांग की है कि जेड़े रिश्तेदार ने उन्हां नाल ठगी की है उन्हां खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने रिश्तेदार करके अज दो जाना चलिया गई। मेरे ब्रदर विक्रांत मसीह कल दवाई खा ली, और जर्मन वालों ने पैसे दिते ही उन्हें बाहर जाने वास्ते 24 लाख रुपया, तो इस करके उन्होंने दवाई खाधी उसे दुखों, क्योंकि उन्हें 3-4 साल हो गए कोई इन्ना पैसा नहीं दिता उन्हें, ना वो कुछ सोचते पे ना ही कुछ नहीं उन्हें किया। फिर उन्हें काफ़ी देर NRI चलता रहा इन्हों का केस भी, फिर उन्हें उल्टे तो कि हरासमेंट का केस किया भी इन्हें गाला कढ़ता, तो वो फिर बड़ा इस गल तो बहुत ज़्यादा दुखी ही। मेरे फुफड़ ही उन्होंने कुड़ी ही, एक उन्होंने नौ ही भनेवी नौ, तो उन्हें पैसे ले इन्ना साढ़े इतों ज शिकार तो एक फुफड़ है मेरा वो मंजूर मसीह उन्होंने सारा गल का पता वा उन्होंने थ्रू पैसे गए है, तो उन्होंने किन्नी वारी उन्होंने मैं कहा भी है एक बार पहला भी इन्हें कोशिश की भी मैं मर जाना वा नहीं तो मेरे पैसे वापस करो या मैंने कुछ करो। उदो भी मैं मंजूर मसीह को कहा भी हाँ इन्ना सोचो कुछ तुम कहे तुम गल नहीं करते, कहते अं करिए जाओ जो ते हों कर लो। किन्ने पैसे तो रिश्ते की लगते थोड़े वो मेरे फुफड़े आ दोवें फुफड़े जो जर्मन है वह भी फुफड़ गुलजार तो उन्होंने कुड़ी आ जड़े इतने आ शिकार माशी हैं वह भी फुफड़े आ जी कुड़ी ने भी सुसाइड की कौन है वो कि हिसाब है वो ना फेर चलता ही वह उन्होंने दोनों की प्लैनिंग ही शायद प्लैनिंग होगी सू तो यही लगता भी चल मैं चल जाँगा तो चल तेन भी मैं बुलावगा उ कोई गल नहीं तू तो इस गल के वो बचपन का दोवे का प्यार ही सूँ तो यह गल का कल पता नहीं कल ड्यूटी तो घरों गया तो आप सोचा भी नहीं पाया काम हो जूगा की कम करता लैब टेक्नीशियन ही लड़के ने जी दवाई खाधी डिप्रैशन डिप्रैशन उन्हें मैनू मैसेज भी वॉइस मैसेज किया उदो मेरा मैनू नहीं पता लगा मैं काम च बिजी रहा वो शाम जो कि सूँ पता लगा भी इधर हॉस्पिटल लैके आए फिर आप आए फिर मैसेज चैक किया पोस्ट जी पोस्ट उन्हें पाई उन्हें पोस्ट भी पाई सारे यार दोस्तों ने फेसबुक पर वेख्या इन्होंने फोन किए इन्हें फिर मैंने फोन किया भी इदा इदा गल हुई है हाँ जी सुसाइड करने फेसबुक पर पाई उन्होंने नुमीना खोखर वाइफ ऑफ रविंदर खोखर गुलजार मसीह उन्हों की पुत्री सोनिया ते एक एक गोरी है वह रेंजर मुलर वह नाम आता शायद किन्ने चिर तो फिर चले दोवे
बचपन तो ही इन्हों का फिर मेरे हिसाब से हाँ स्कूल टाइम का लड़की ने हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो दोनों दवाई कट्ठे खाधी कितने खाधी दवाई दवाई सानू तो यही दस दिया भी इन्हें इतों लैके आए हैं जो एंबूलेंस वाले ने अपने कोल फोन विक्की के फोन से करते पे विक्रांत के वह कहता भी आप इन्हें जो इतों चुकया वा धारीवाल नहर तो इतों कलेर तो कलेर दोवें उतों उतों किसी ने शायद लोगों ने किसी ने फोन किया एंबूलेंस में सरकारी एंबूलेंस इतने सिविल हॉस्पिटल लैके आए बड़ी मंग यही करने भी हूँ पहला तो उन्हें हाँ नहीं हूँ ही सूँ कोई इंसाफ मिल जाए हूँ ही सू कुछ चल उन सू नहीं वो जो भी वो आत्मा इंसाफ मिले भी चल ठीक है मेरे ना इंसाफ हो जो अपने माँ प्यो की जिम्मेवारी मैंने दे के गया वा कम से कम मैं उन्होंने जिम्मेवारी निभावा गलबात भी बचपन तो पहले पढ़ते लिखते ही प्यार प्यू फिर चलता ही ये मतलब भी मुंडा जरा इन्हें कोई 22 लाख रुपया दिता है कि यदा नाम बंदे का हाँ रिश्तेदारी ही फुफड़ी तो वो मतलब लैके तो बह गया दोबारा उन्होंने अही कचहरी थ्रू भी मतलब भी अपने बुलाया बुलाया उत भी बस पैसे पुए दे के फिर उद्दी कोई इंसाफ नहीं मिले दोवे ने कितने जहर खाता पता लगा कुछ काफी चिर तो नहीं रखा पिया विद ब्यास ने मिलना चाहिए रेस्ट होने चाहिए इस तरह धक्केशाही दुनियादारी चलती रहेगी ये होंगे ही रहेगा फिर लड़की ने मेरे बाहर जाना हाँ इस बारे तुम पता थी कि लड़की ने बाहर जाना हाँ जी क्योंकि वह पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन ही की गल करती लड़की घर तक की गलबात की बाहर जाने बारे वो तो कर दी हूँ इधर तो क्लीयर होंगे पैसे तो फिर ही ना फिर ही अगे देंगे पैसे जो पिछले हम पहला नहीं क्लीयर हो फिर यही किस्सा किसी ने होर पैसे सिविल हस्पताल विखे मृतक नौजवान विक्रांत मसीह के परिवारक मैंबरां दे बयान दर्ज करन पहुंचे जांच अधिकारी दविंदर सिंह ने दस्या कि मरण वाले लड़का ते लड़की दे आपस विच प्रेम संबंध सन अते नौजवान नाल उसके रिश्तेदारां ने विदेश भेजण दे नां ते 24 लाख की ठगी मारी सी जिस करके परेशान होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली ते उन्हां दीआं लाशां कब्जे विच लै लईआं ने ते पोस्टमार्टम लई भेज दित्तीआं ने मृतक नौजवान के 4 रिश्तेदारां खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है अते उन्हां नूं गिरफ्तार करन दे लई छापेमारी की जा रही है की सारा मामला मामला है वो ब्रदर ने रोहित ने स्टेटमेंट दी आ कि मेरा ब्रदर विक्रांत उन्हें पैसे लेने अपने फुफड़ को 24 लाख रुपया जर्मन भेजने वास्ते उन्हें पैसे नहीं वापस किए ना जर्मन भेजा वो तो दुखी हो गए उन्हें फिर सुसाइड अपना आत्महत्या कर लिया जिस संबंधी रोहित के बयान से आप मुकदमा दर्ज करता वो फुफड़ के खिलाफ तो रिश्तेदार जगह सुसाइड की डेड बॉडी तो सू इत हॉस्पिटल मिली आ धारीवाल इन्होंने उत्थे पॉइजन खाधा तो इतने मिली आ एफ आई आर दर्ज करती जी कुड़ी मुंडा का की संबंध है कुड़ी मुंडा तो इन्होंने अपने सो प्रेम संबंधी दसे इन्होंने घर वाले ने कि जगह जाना जर्मन जाना परिवार जहाँ पर्चा दर्ज किया कौन कौन बंद नहीं है वो गुलजार मसीह का फुफरी आई वो जर्मन रेंदे आ एक उन्होंने ब्रदर है इतने अनवर उन्होंने खिलाफ एफ आई आर दर्ज करती है बाकी जी कार्रवाई कर दे चार अजय नहीं अजय डेड बॉडी उन्होंने पोस्टमार्टम करा के वारसन के हवाले कर रहे हैं जी।